जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी दे, माता जी बापू जी नू कोटि कोटि शुक्राना, जिन्होंने रब नू गुरु नू जमया हैगा वे। गुरु जी सब ते मेहर करन, सरबत दा भला फुला बख्श देना, गुरु जी फुला बख्श देना। जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, आज मैं जो बैठी हूँ आपके सामने, ये गुरु जी की जिंदगी दी हुई है, उन्होंने मुझे बख्शी है ये लाइफ। और गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, यही मांगती हूँ कि गुरु जी मनु अपने ते अपनी संगत की सेवा ले रखना, हमेशा रखना। सो प्यारी संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हुई थी 2006 में। मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इश्यूज बहुत बड़ा था मेरे पास। 25 इयर्स आई सफर्ड फ्रॉम एस्थमा। वी वर इन बॉम्बे एंड वहाँ से ही चल रहा था ये एस्थमा प्रॉब्लम मुझे, और मैंने सारे इलाज कराए अपने, बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स इन बॉम्बे आई हैड गॉन, बट नथिंग वॉज हेल्पिंग मी। देन आई हर्ड हैदराबाद में लाइफ विश ट्रीटमेंट होती है एस्थमा की, मैं वहाँ भी गई। द ट्रीटमेंट वॉज फॉर 3 years, वन पर्टिकुलर मंथ दे हैव इन अ ईयर, सो आई यूज टू गो एवरी मंथ फॉर 5 years लाइफ विश ट्रीटमेंट की, पर उससे भी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। एंड आई वॉज कम्प्लीटली ऑन इंजेक्शंस, कॉर्टिजॉन, स्टीरॉइड्स, बहुत बहुत मेरी हालत ख़राब थी उस टाइम। और भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स एंड मैनी मोर प्रॉब्लम्स आई हैड इट, बट गुरु जी हैज़ सेव्ड मी माई लाइफ एंड ही हैज़ ब्लेस्ड मी। I have no words how to thank Guruji. मेरी सारी family Delhi में है, like my all sisters and brothers. So I used to go to Delhi twice a year. And I was in Delhi with my sister Sabina in Defence Colony. She asked, she said, Dolly, there is one Guruji in Empire State. Why don't you go and take his blessings? पर वही होता है, जब कोई डूबता है उसको तिनके का सहारा चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाती हूँ वहाँ भी। तो मैं सबीना जी के बेटे के साथ वहाँ गई, एम्पायर स्टेट गई। वहाँ पर हॉल में गई, गुरु जी को मत्था टेका, बैठी, शब्द कीर्तन चल रहे थे, लंगर प्रसाद लिया, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ। और जब सब संगत जाने लगी, जाने से पहले सब गुरुजी से आज्ञा लेते हैं, तो मैं भी लाइन में खड़ी हो गई आज्ञा लेने के लिए। पर जब मैं गुरुजी के सामने पहुंची, तो गुरुजी ने मुझे हाथ से इशारा किया बैठने का। मैं बैठ गई, बाकी संगत को इशारे से हाथ से जाने को कह रहे थे। फिर मैंने कहा पता नहीं गुरुजी मुझसे क्या पूछने वाले हैं। मेन तो मेरी हेल्थ इश्यू चल रहा था, पर और भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट एनी हाउ आई वॉज सिटिंग क्वाइटली, देखेंगे। गुरु जी इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, बड़ी प्यारी स्माइल देते थे। एंड मैंने क्या देखा, गुरु जी ने अपना राइट हैंड ऐसे घुमाया और सचखंड का प्रसाद आया उनके हाथ में। बट यू नो, कुछ उससे मुझे समझ नहीं आई ये क्या है। वी ह्यूमन माइंड्स आर लिटिल सस्पिशियस, यू नो, साइड पे टेबल होगी या पीछे कहीं टेबल होगी जहाँ से ये प्रसाद उठाया है। बट मेरे प्यारे गुरु जी की संगत, कुछ भी ऐसा नहीं था, दिस वॉज टोटली फ्रॉम सचखंड, सचखंड का प्रसाद था वो। और गुरु जी ने एक सेवादार अंकल जो पास में बैठे थे उनको बोला कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो वी वर जस्ट 10-12 ऑफ अस आई थिंक, तो मुझे भी प्रसाद मिला वो। और
गुरु जी को मत्था टेक के मैं घर वापस आ गई। थोड़ा प्रसाद तो मैंने अपनी फैमिली में दिल्ली में दिया, बाकी थोड़ा प्रसाद मैंने पुनः ले आई और अपने बच्चों को सबको थोड़ा थोड़ा दिया। पर कुछ टाइम के बाद आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स मेरे जो अटैक्स होते थे ना, जो बहुत सीवियर अटैक्स होते थे, वो थोड़े कम हो गए। और मुझे हैरानगी थी कि जो मुझे हर दूसरे तीसरे दिन अटैक पड़ता था, और अटैक भी कैसे पड़ते थे कि सुबह 3 बजे अटैक होता था और 8-9 बजे जाकर सेटल होता था। एज एवरीबडी नोज एस्थमा इज रियली बैड व्हेन समबडी इज हैविंग इट हैपेंस लाइक दिस। तो महीना निकल गया, थोड़े और कम हो गए। ऐसे करते करते 2 महीने हो गए तो थोड़े अटैक्स कम होने शुरू हुए, स्टेरॉइड्स भी कम हो गए मेरे। फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी, बिल्कुल ध्यान में ये नहीं था कि मैं गुरुजी के गई थी, वहाँ कुछ प्रसाद मिला था, खाया था, कुछ ऐसी चीज़ ध्यान में नहीं आ रही थी। फिर मुझे आया कि मैं चलो दिल्ली चली जाती हूँ, पता नहीं सबसे मिल आती हूँ, तो जो मंदिर है एम्पायर स्टेट का वहाँ भी मत्था टेकाऊंगी, ऐसे ही सोच रही थी। तो मैं दिल्ली गई, वहाँ पर फिर एम्पायर स्टेट में गई, गुरुजी को मत्था टेका, फिर प्रसाद वगैरह सब हमने लिया, खाया, घर आ गए। फिर पुनः वापस आई, अनदर 2 मंथ्स, नाउ इट्स 4 मंथ्स। मेरा अस्थमा काफ़ी ठीक हो गया था, काफ़ी ठीक हो गया था। फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि ये तो गुरु जी के मिलने के बाद ही मुझे ये बेटर फीलिंग हो रही है। देन फिर आगे कि नहीं अभी मुझे दिल्ली जाना है, गुरु जी से मिलना है। फैमिली का नहीं सोचा मैंने, सिर्फ मुझे आया कि नहीं मैंने उस गुरु जी को जाके मिलना है, मत्था टेकना है और उधर ही बैठना है, क्योंकि वहाँ से मैं क्योर हो रही हूँ। तो फिर 2 महीने के बाद मैं दिल्ली चली गई, वापस वही एम्पायर स्टेट, लंगर प्रसाद किया, गुरु जी को मत्था टेका। फिर ये था कि यहाँ बड़ा मंदिर है, वहाँ भी चले जाऊँ, वहाँ भी गई, मत्था टेका। और वहाँ बड़े मंदिर में उस टाइम क्या होता था, 2006 की बात है, कि वहाँ पर सत्संग होने के बाद, सत्संग मतलब शब्द कीर्तन होने के बाद, लंगर प्रसाद होने के बाद सारी संगत बाहर आती है, तो वो ग्रुप्स में खड़ी हो रही थी और अपने अपने सत्संग शेयर कर रही थी। तो मुझे लगा कि जाकर मैं सुनूं ये क्या बातें क्या करते हैं। तो ऐसे ही सत्संग में मुझे पता चला कि गुरु जी ने सबको कैसे कैसे ठीक किया है, सबकी प्रॉब्लम्स कैसी कैसी हुई हैं। तो मुझे भी एकदम आया कि मैं इनसे ही पूछ लेती हूँ, कि ऐसे मैं भी 6 महीने पहले गई थी एम्पायर स्टेट, गुरु जी ने मुझे सचखंड का प्रसाद दिया था और मैंने तब से मैंने मेरी तबीयत ठीक हो रही है। तो जब मैंने अपना सबको बताया कि मुझे ऐसे ठीक हो रही हूँ, तो मुझे सब अंकल आंटी जो भी उस ग्रुप्स में थे बोलते, आंटी यू आर ब्लेस्ड, गुरु जी ने आपको ब्लेस कर दिया है, और गुरु जी हमेशा पहले सेहत देते हैं, बाकी की चीज़ें भी बाद में आती हैं। पर मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी ने मुझे कैसे ठीक किया, आज मुझे गुरु जी से जुड़े 16 साल हो गए हैं। पर गुरु जी ने मुझे नई जिंदगी दे दी है, और ही नहीं, गुरु जी ने मुझे बहुत प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने आपको बताया, इमोशनल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, गुरु जी ने मेरी सारी प्रॉब्लम्स को एक एक कांटे के जैसे निकाल निकाल के हटा दिया। टाइम के साथ, ये नहीं इमीजिएटली सारा हुआ, पर एक विश्वास, एक प्यार था गुरु जी के साथ मुझे, कि अभी कुछ भी हो जाए, अगर गुरु जी ने मेरी हेल्थ मुझे दे दी है ना, अच्छा कर दिया है ना, तो अभी मुझे कोई बात नहीं, बाकी भी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। विद इन 1 ईयर मैं गुरु जी को बहुत प्यार करने लगी, मानने भी लगी उनको, कि नहीं गुरु जी भगवान है, गुरु जी रब ने, इस रब की मेरे को खोज थी जब मैं छोटी सी थी, तब से मुझे रब की खोज थी, कि ठीक है सेंट्स आते हैं, मास्टर्स आते हैं, प्रवचन चलते हैं, पर इनके पीछे कौन है, रब कौन है। पर मैंने अब पा लिया है कि रब है, गुरु जी हमारे रब है।
सो गुरु जी का जितना भी मैं शुक्राना करूं, आज मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है गुरु जी को शुक्राना करने के। उन्होंने नई जिंदगी मुझे दे दी है। फिर साल ऐसे मेरा निकल गया, गुरु जी भी उस टाइम चोला छोड़ रहे थे। फिर ये मन में आया, अभी गुरु जी नहीं है, अभी क्या होगा, अभी कैसे सब चलेगा। ये पहले तो जाके गुरु जी के दरबार में बैठना, उनको देखना, और लगता था गुरु जी हैं तो सब कुछ है। पर भी गुरु जी ने चोला छोड़ा, पर गुरु जी आज भी हैं। कैसे वो ब्लेस करते हैं अपनी संगत को, बहुत ब्लेस करते हैं। टाइम टू टाइम उन्होंने मुझे कैसे ब्लेस किया है वो मैं आपको सब बताती हूँ। अभी ये बात है 2007 की, तो मुझे बड़ी वो होने लगी अंदर से कि मेरा तो पूना में दिल नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, गुरुजी वहाँ नहीं है, पर बड़ा मंदिर है, एम्पायर स्टेट है, वहाँ चले जाऊँ, मत्था टेकूँ, वहाँ बैठूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे वहाँ जाके। फिर वही मैंने करना शुरू कर दिया, जहाँ मेरे एक साल में दो चक्कर लगते थे दिल्ली के, अभी चार चक्कर लगने लगे कि नहीं, गुरुजी के वहाँ मंदिर जाना है, बैठना है। सो कुछ दो तीन साल इसी चीज़ में चलते रहे। फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरा पूना में दिल नहीं लग रहा, ये कब तक चलेगा। अभी फिर या तो यहाँ गुरुजी की संगत में ढूंढो पूना में, और वहाँ जाती थी मंदिर में, हमेशा सबसे यही पूछती थी, कोई आप किसी को जानते हो पूना में, कोई संगत है पूना में, कोई संगत है। पर सब तरफ से होता था कि नहीं, पूना में तो हम किसी को नहीं जानते। बड़ी मेरे को ख्वाहिश थी कि पूना में संगत अभी मुझे मिले। फिर 2011 में हमारे घर के बाहर कॉरिडोर है, तो वन इवनिंग यू नो आई वॉज एंट्रिंग टूवर्ड्स माई मेन डोर। बिफोर दैट आई कुड स्मेल ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस आउटसाइड माई हाउस। मैंने कहा पता नहीं, ये तो सुना था, संगत बताती थी कि गुरु जी की फ्रेग्रेंस आती हैं, ये तो मुझे वैसी ही फ्रेग्रेंस लग रही है। तो खैर मैं अंदर चली गई, व्हेन आई स्टेप्ड इन अंदर कुछ भी खुशबू नहीं थी। फिर मैं बाहर आई, बाहर तो खुशबू ही खुशबू थी। फिर मैंने कहा ये क्या हो रहा है, कुछ यू नो 2 फीट के डिस्टेंस में इधर फ्रेग्रेंस है उधर नहीं है, ये क्यों ऐसे हो रहा है। सो एनीवे मैं बाहर खड़ी रही एंड आई वॉज इंजॉइंग दैट फ्रेग्रेंस। फिर जब थोड़ी सी वो हल्की हो गई फ्रेग्रेंस, फिर मैं अंदर गई, और मैंने अंदर जाकर फिर मैं रात भर यही सोचती रही कि ये कहीं गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि सत्संग करा तो मैं अंदर आना चाहना वहाँ। फिर मैंने सोचा कि सत्संग में संगत में कहाँ से पुनः मैं ढूंढूँ, कैसे सत्संग कराऊँ। फिर मैंने फेसबुक में देखना शुरू कर दिया, मुझे 2-3 संगत मिले पुना की, कुछ बॉम्बे की थी, मैंने उनको कांटेक्ट किया। मैंने कहा कि मैं अभी गुरुजी से नई जुड़ी हूँ और मुझे सत्संग कराना है, तो आप लोग प्लीज़ आइए, मैं आपको पूरे डिटेल्स भेजती हूँ, अपना एड्रेस, टाइमिंग, एवरीथिंग, यू प्लीज़ कम फॉर सत्संग। सो फर्स्ट सत्संग हमने घर में किया, और वही 5-6 जने हुए थे हम लोग, पर ठीक है, हो गया सत्संग। वो सत्संग होने के बाद मैंने सोचा नहीं, ये सत्संग की कंटिन्यूशन होनी चाहिए। तो मेरी बेटी का वर्किंग स्टूडियो है, फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडियो, बोटलब रोड पे, तो मैंने कहा वो सेंट्रल जगह रहेगी, जिसने भी आना होगा वो सेंट्रल है तो वहाँ पर करते हैं। तो उसका ये 3-bedroom अपार्टमेंट है जहाँ पर वो अपना फैशन स्टूडियो उसने रखा है। तो मैंने बोला प्रियंका बेटा एक रूम मुझे चाहिए, मैंने सत्संग कराना है छोटा। कहती है ठीक है माँ। कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ नहीं, सिर्फ गुरु जी का स्वरूप रखा, दिया चलाया, थोड़ा प्रसाद में ले लेती थी, समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, एंड घर से चाय फ्लास्क लेकर वहाँ बैठ गए, और संगत आई 5-6 जने, इतने हम लोग होते थे कमरे में, हो गया। बस 1-1.5 घंटा हम लोग शब्द कीर्तन लगाते थे, कुछ टाइम का भी पता नहीं होता था कि इट शुड बी फॉर 2 आवर्स और ऐसा होना चाहिए, बट ये था कि सत्संग शुरू करने हैं अभी बस। सो ऐसे धीरे धीरे करते करते जहाँ हमने 5-7 से शुरू किया था, वो जगह पे 20-25 लोग आने शुरू हो गए, बढ़ती गई संगत।
फिर मैंने कहा भी प्रियंका भी आपके घर में कर लेते हैं, शी इज इन कोरेगांव पार्क, तो वो भी काफ़ी सेंट्रल जगह है। आज मैं प्रियंका के घर में बैठी हूँ, आज दोपहर को भी सत्संग हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर 30, 40, 50 लोग आने शुरू हो गए, संगत बढ़ने लगी। विद इन नो टाइम, विद इन 1 ईयर आई कैन से 100 की संगत हो गई थी। फिर हमने इनकी बिल्डिंग के क्लब हाउस में शुरू किया कि दैट्स अ बिग हॉल, चलो वहाँ कर लेते हैं। ऐसे करते करते हर महीने हम एक सत्संग कर लेते थे और संगत आने शुरू हो गए, हमने ग्रुप बना लिया। तो गुरु जी ने ये एक मुझे सेवा ही दे दी है कि पूना में सत्संग करते रहो करते रहो। फिर हमने अपना कोऑर्डिनेटर्स ग्रुप भी बनाया, बिकॉज ग्रुप वॉज वेरी बिग नाउ, 100 संगत का ग्रुप, सबको मैसेजेस देने, बताना कब है सत्संग। तो ये अभी हमारा सब शुरू हो गया। आज इट्स नियरली 500 संगत इन पूना। एवरी डे वी गेट 1-2 न्यू संगत एंड वी कनेक्ट देम टू इन आवर संगत ग्रुप ऑफ पूना। सो गुरु जी ने ये सेवा दी है एंड गुरु जी से मैं एक ही चीज़ मांगती हूँ कि गुरु जी बस मनु अपनी सेवा विच ही रखना, अपने चरणा दी दात बख्शना। बहुत कुछ तुसी मनु दिता है, बहुत कुछ मनु दिता वे, सारी मेरिया प्रॉब्लम्स हट गई ने, बड़ा मनु खुशी नाल रखे हुआ है। गुरु जी कैसे शुक्राना करो, शुक्राना क्या, बस सेवा ही करती रहो, सेवा ही करती रहो, यही मेरी आज भी ये है। मैं आखिरी दम तक मैं चाहती हूँ कि मैं गुरु जी दी ते गुरु जी की संगत की सेवा करती रहूँ। सो आज हम लोग पूना में, हमारे पास जगह है कोरेगांव पार्क में, किसी संगत ने बंगलो दिया हुआ है, तो उधर मंथली 2 सत्संग हो रहे हैं। पेंडेमिक में हमने बिल्कुल भी नहीं किया, फिर जब थोड़ा सा पीरियड खुला तो हमने 40 की संगत बुलाई, क्योंकि गुरु जी की संगत का ध्यान रखना बहुत बड़ी सेवा है। हर किसी को ये नहीं कि कहीं भी हम लोग ज़्यादा लोग बुला लें, कुछ करें नहीं, एंड सबको डिस्टेंसिंग पे बिठाना एंड बड़ा छोटा छोटा करके, ताकि चलो संगत आना शुरू कर दे। और बाकी सबको यही बोलते थे कि अपने घरों में करो, गुरु जी के स्वरूप के आगे दिया जलाओ, प्रसाद रखो एंड बस सत्संग ऐसे करो। तो गुरु जी ने घर घर में सत्संग शुरू करा दिए और आज इतनी गर्मी में हम दोपहर को जब सत्संग करते हैं वहाँ पर, कितनी संगत आ रही है, कितनी संगत आ रही है। और गुरु जी अपने परिवार को जोड़ते जा रहे हैं। इतना बड़ा परिवार बना दिया गुरु जी ने कि अभी हम कहीं भी जाते हैं इंडिया में या इंडिया से बाहर जाते हैं, तो सब तरफ अपने ही नज़र आ रहे हैं गुरु जी के परिवार। मेरी बेटी छोटी वाली अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में, तो मैं पिछले 10 साल से उसके पास हर साल जा रही हूँ। वहाँ जब मैं गई तो मुझे लॉन्ग आइलैंड में गंगा आंटी, उनके मैंने सत्संग अटेंड किए, न्यू जर्सी सीमा आंटी, उनके सत्संग अटेंड किए, पर ये काफ़ी दूर दूर हो रहे थे, तो पता चला कि माय डॉटर इज इन मैनहट्टन, तो वहाँ पर भी ग्रुप है। सो मैंने उस ग्रुप, मुझे नंबर्स मिल गए, उनको फॉलो किया एंड मैं वहाँ जाकर भी सत्संग अटेंड करती रही। अभी ऐसे लगता था कि कहीं भी किसी कंट्री में चले जाओ ना, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ संगत है वहाँ एंड गुरु जी का परिवार है, और बड़ा प्यारा परिवार है, बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं कि अगर हमको जगह नहीं पता तो आ जाते हैं लेने, ड्रॉप करने आ जाते हैं। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, गुरु जी का परिवार, गुरु जी की संगत, कितना गुरु जी ने जोड़ के सबको रखा हुआ है, और सारे ही हम प्यार से ही आगे चलते जाएं। हमारे सब में अगर प्यार होगा ना, तो हम गुरु जी का नाम बहुत रोशन करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम गुरु जी को दिल से प्यार करते हैं ना, तो हमको अपनी संगत में, अपने सब तरफ प्यार करना है, अपनी फैमिली में प्यार करना है, अपने फ्रेंड्स में भी करना है। कोई भी हमारे साथ कुछ भी कैसा करे, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, पर हमको कोई जवाब वगैरह नहीं देना है। गुरु जी ने हमको बहुत कुछ सिखाया है इस चीज़ में, रोज़ सिखाते हैं, हर रोज़ सिखा रहे हैं गुरु जी। कुछ चीज़ें हमको मालूम नहीं होती, पर हम ना सत्संग सुन सुन के ना
फिर वो सीखते भी जाते हैं, आज भी हम सीख रहे हैं। तो मैं गुरुजी से हमेशा यही मांगती हूँ कि गुरुजी सानू गाइड करो, सानू सुमत दो, सानू सीधे रस्ते पाओ, वो चीज़ा कराओ जो साढ़े लिए सब ठीक हो, ऐसी सोच दो जो साढ़े लिए ठीक होए, असी किसी का नहीं बुरा चाहते। सो सानू अपने चरणों की दात ही बख्शना हमेशा। अभी मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, 2014 की बात है। I had gone for walk in the evening in my area. We live in Sopanpal. तो शाम का टाइम था, मैं एक घंटा वॉक करके अपने घर को वापस जा रही थी, तो वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स बंद हो गई और अंधेरा हो गया सड़क पे। तो मैं सड़क से उतर के थोड़ा सा नीचे उतर के वॉक करने लगी, और वहाँ पर क्या था कि लूज स्टोन्स होते हैं ना, बजरी, तो उसके ऊपर मेरा पाँव स्लिप कर गया और आसपास बड़े बड़े पत्थर भी पड़े थे। और जब मेरा पाँव स्लिप किया, यू कैंट इमेजिन, मेरी तो हालत एकदम हो गई कि कुछ क्या हो गया ये, पर अंदर से यही निकला, शुक्राना गुरु जी मेरे सिर ते नहीं लग गई, मेरे गोडियां ते नहीं लग गई, मेरी स्पाइन ते नहीं लग गई, हत्थां ते कुछ मनु दर्द पड़ी आ रही है, हत्थां च कुछ हुए आ गए। पर मैंने उस टाइम गुरु जी का शुक्राना किया कि कोई बात नहीं, आई मुसीबत टल गई है, छोटे टल गई है, कोई ये बड़ी मुसीबत नहीं आई मेरे ऊपर। फिर एनीवे दैट इवनिंग मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ एडमिट किया और डॉक्टर्स ने देखा तो मेरी राइट हैंड की रिस्ट का फ्रैक्चर था, दिस आर्म का एल्बो का डिसलोकेट हो गई थी। सो डॉक्टर्स ने बोला कि 2 दिन के बाद हम सर्जरी करेंगे। और उस टाइम क्या हो रहा था, दिस हैपेंड ऑन मंडे एंड कमिंग संडे वॉज अ बिग सत्संग इन पूना इन ब्लू डायमंड होटल, एंड वो भी था दिल्ली के बड़े मंदिर गुरु जी के आश्रम की तरफ से। और वहाँ से गौरव अंकल, नारंग अंकल, राजीव अंकल और बड़े सेवादार आ रहे थे, और मेरे अंदर तो हलचल शुरू हो गई कि गुरु जी मैं तो सेवा करना चाहनी हाँ, तो मैं तो हूँ हॉस्पिटल ही चाह। मेरा कम्प्लीटली जो माइंड था ना वो सत्संग पे था कि संडे को सत्संग है एंड जब मुझे पूना की सेवा दी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि सबको कैसे कोऑर्डिनेट करना है। खैर कोई बात नहीं, मुझे इतना था कि मैं इस टाइम से गुजर जाऊंगी कैसे भी होएगा। 2 दिन के बाद मेरी सर्जरी हो गई, दोनों आर्म्स मेरी ना कास्ट पे थी कि आई कुड नॉट लिफ्ट आर्म लाइक दिस, सिर पे अगर मच्छर भी बैठे, मक्खी भी बैठे तो मैं उसको हटा नहीं सकती थी। तो मेरी ये हालत थी दोनों आर्म्स पे, तो मोबाइल तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन था कि मोबाइल लेना, मैसेज टाइप करना या कुछ कॉल किसी की लेनी, दैट वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। सो मेरा सर्जरी होने के बाद अंदर अंदर मेरे यही चलता रहा, वो डॉक्टर नर्सेज बीच में आई, दवाइयाँ देनी, पेन किलर देनी, आप ठीक हो, मैं कहती हूँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहीं पेन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। और अंदर मेरे चल रहा था कि नहीं, संडे को सत्संग है पड़ा, और कैसे होगा ये। तो वेडनेसडे को मेरी सर्जरी हो गई, फ्राइडे को मुझे डॉक्टर ने बोला नो यू आर डूइंग क्वाइट गुड, तो अभी आपको डिस्चार्ज कर देंगे। फ्राइडे आफ्टरनून बाई पोस्ट लंच मैं घर आ गई, पर हिम्मत से कुछ नहीं, मुझे लगा ठीक है आम सी है ना, तो मैं चल फिर तो रही हूँ, देख रही हूँ, हो जाएगा सत्संग, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को बोला कि बेटा ये मैसेज टाइप कर दो, एक तो मैंने हॉस्पिटल से ही टाइप करवा दिया था राजीव अंकल को भी और पूना कोऑर्डिनेटर्स को भी कि दिस थिंग इज हैपन, सो आई वोंट बी एबल टू टेक द कॉल्स एंड मैसेज, सो बस दैट्स इट। फिर मेरी डॉटर इन लॉ ने मुझे हेल्प किया, सारे मैसेजेस टाइप किए, कोई कॉल थी तो स्पीकर पर मैं बात कर लेती थी। अभी हो गया सब, सैटरडे रात को संगत आनी शुरू हो गई, बॉम्बे से बड़ी संगत आई, उस दिल्ली से बड़ी आई, काफ़ी बड़ा सत्संग हो रहा था पूना में उस टाइम। संडे आ गया, पर मैंने अपना माइंड बना लिया था कि कुछ भी हो मैं चली जाऊंगी, चल तो रही हूँ ना, यहाँ आर्म्स का क्या है, कुछ नहीं है, मैं चल जाऊंगी, ऐसे ही चली जाऊंगी। संडे सुबह मैंने तैयार हुई, अपनी ब्यूटिशियन को बुलाया, मुझे बाल बाल बना दो, तैयार कर दो, बेटी को बोला मुझे अच्छी ड्रेस बना दो। तो संडे सुबह 10 बजे मैं अपनी नर्स को लेके
ब्लू डायमंड होटल चली गई। थोड़े हस्बैंड नाराज हो रहे थे कि नहीं जाओ, तब कैसे तुम जा रहे हो सर। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ओके, आर्म्स पे आया है ना, कोई ऐसी बात नहीं, मेरे साथ नर्स है, सब चीज़ ठीक रहेगी, कोई बात नहीं, जाने तो मुझे। सुबह चले गई 10 बजे, वहाँ पर तैयारियाँ हो रही थी, सब हो रहा था, मैं तो बिल्कुल ही अपनी ना पेन क्या ये क्या सब भूल गई, एंड आई वॉज इंजॉइंग दैट यू नो कि सत्संग हो रहा है आज, सत्संग हो रहा है आज यहाँ पर, कहाँ कहाँ से संगत आ रही है, बड़े मंदिर से इतने आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं। तो वहाँ पर बस वही टाइम था, वही 12 से 2 बजे का था, सत्संग हुआ। पर फिर मुझे सब लोग अंकल लोग बोलने लगे वहाँ से, और तारा अंकल के आंटी अभी आप घर जाओ, आप घर जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं आराम से सोफे पे बैठी हूँ, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैंने नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अंदर से यही था कि जो बॉम्बे से संगत आई है उनको एटलीस्ट पूरा टाइम यहाँ बैठी हुई है उनको जाने दो, फिर मैं जाऊँगी। जो दिल्ली से आए हैं उनकी शाम की फ्लाइट्स हैं उनको जाने दो, फिर मैं जाऊँगी, मैं उनको बीच में छोड़ के नहीं जा सकती, इतना मैं नहीं करूँगी। सो 7 बजे शाम को फिर मैं अपने घर गई। फ्रॉम मॉर्निंग 10 to 7 आई वॉज देयर, एंड बिलीव मी संगत जी, मुझे कुछ नहीं हुआ, आई वॉज सो एनर्जेटिक, आई वॉज सो हैप्पी, जैसे मुझे लगा कि कुछ है ही नहीं बात, आम सी है तो क्या हुआ, मेरे पास हेल्पर है, मेरी नर्स है, मुझे खिला पिला रही है, सब कर रही है, कोई बात नहीं है, इतनी अंदर से हिम्मत थी मेरे अंदर उस टाइम। सो अभी आफ्टर 2 वीक्स मेरा एक्चुअली प्लान था US जाने का, पर ये फिर मैंने टिकट अपनी हॉस्पिटल, जब ये हुआ तो हॉस्पिटल से ही फिर मेरे हस्बैंड ने टिकट कैंसिल करवा दी, जाना मुश्किल है अभी तो। तो फिर बस वो कास्ट जो मेरे थे तो वो उसको 3 वीक्स तक तो रखना ही था, तो बट घर में शांति से मैं अपनी रही, कुछ नहीं कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया, अपना बस इंजॉय करती रही, पाठ सुनती रही, करती रही, अपने टीवी एंटरटेनमेंट्स में देखती रही। मैंने कहा चलो रेस्टिंग पीरियड है, कोई बात नहीं है, क्या कुछ भी नहीं है, लोगों को बड़े और भी दुख होते हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है, गुरु जी ने छोटी सी चोट दी है, खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं है, ऐसा ऐसा मैंने सोच के मैं चलती गई। 3 वीक्स के बाद मेरे कास्ट निकल गए, फिजियोथेरेपिस्ट को बुला लिया, रोज़ आना फिजियोथेरेपी शुरू कर ली। फिर मैं जब डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलाया ना आफ्टर 1 वीक, जब कास्ट निकालने के बाद, तो मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर से मिले, डॉक्टर कहते हैं कि यू आर रिकवरिंग वेरी वेल, वी आर सरप्राइज, नहीं तो आपकी इतनी बड़ी ये जो आई थी चोट, ये तो 2-3 महीने लग जाते हैं, एंड यू आर एब्सोल्युटली गुड नाउ। तो मैं अंदर से बड़ी खुश हुई, मैंने कहा ये सब मेरे गुरुजी के, गुरुजी का ये प्यार है, गुरुजी की ब्लेसिंग है मुझे, और कुछ नहीं है। एंड देन गुरुजी ने मुझे आफ्टर 3 वीक्स आई थिंक, नहीं आफ्टर 1 मंथ, तो मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया, डॉक्टर ने भी बोल दिया कि नाउ शी इज फिट टू गो टू US, तो बेशक आप जाओ, बट अपना ये थोड़ा सा इसको रैप करके रखना ताकि नोबडी शुड हिट योर आर्म्स, बस दैट्स इट। फिर मैं चली गई US भी, बड़ी आराम से गई, वहाँ पर गई तो वही वहाँ की संगत मिली, प्यार दिया, सब कुछ किया, एंड 2 दिन के बाद मुझे ना न्यूयॉर्क संगत ने कांटेक्ट किया कि आंटी कुछ हम लोग ना संगत न्यूयॉर्क की ना बफलो जा रहे हैं, बफलो में अपनी सुधा आंटी है ना, सुधा ऊर्जा आंटी एम्पायर स्टेट वाली, तो उनके बच्चे वहाँ पर हैं, आंटी भी आजकल वहाँ पर है, तो उधर सत्संग है, तो हम लोग 5 गाड़ियाँ जा रही हैं, तो आप चलोगे? तो मैंने कहा बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं चलूँगी। और मैं तो ना सोचा कि जेट लैग है या कुछ है, एग्जैक्टली आफ्टर 2 डेज बेटी से मैंने बात की कि बेटा मैं ऐसे जाऊँ, कहती मॉम इफ़ यू आर फीलिंग कम्फर्टेबल तो प्लीज़ गो अहेड ना। तो मेरे को तो बस ये चीज़ों की टॉनिक मिलती है जब गुरुजी का कुछ सत्संग आ जाए, गुरुजी की संगत मिल जाए, दिस इज टॉनिक फॉर मी। तो मैंने कहा ठीक है। तो इट वॉज यू नो 8 आवर्स ड्राइव आई थिंक विद स्टॉपेज, 9 आवर्स ड्राइव थी, हम लोग 5 गाड़ियाँ करके अपनी, तो न्यूयॉर्क से हम लोग वी ड्रोव डाउन टू बफलो। वहाँ सुधा आंटी ने जो हम लोगों को प्यार से रखा, मैं बता नहीं सकती कि आंटी के अंदर कितना प्यार, कितनी सेवा है आंटी में। तो उन्होंने हमको सब कमरे खोल दिए, सबको रखा, और आंटी अपना रात को सोफे पे सोए, कुछ जैसे कि नहीं संगत आई है, संगत को आराम देना चाहिए, इतना कुछ हमने सीखा है
गुरु जी ने ना हमको सिखाते हैं टाइम टू टाइम कि देखो मेरा परिवार ऐसा प्यारा होना चाहिए। तो आंटी के घर बड़ा अच्छा सत्संग हुआ, हम लोग वहाँ सारे जने मिले और वहाँ पर ना टोरंटो जो कि बिल्कुल ना नायग्रा फॉल्स है ना, तो उसमें ब्रिज आता है, अदर साइड इज टोरंटो एंड दिस साइड इज यूएस बफलो, बीच में एक ब्रिज है, दैट्स इट। तो टोरंटो से बड़ी संगत आई, 40-50 की संगत तो टोरंटो से ही आ गई ड्राइव करके। और वो जिस दिन सत्संग हुआ रात को, हम लोग बैठे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी के हम किसी पिंड में आके बैठे हैं, क्योंकि पंजाबी बोलनी, ठेठ पंजाबी एंड बातें सुना रहे थे, कोई सत्संग नहीं कर रहे थे बट गुरुजी के टाइम की बातें सुना रहे थे। और हम लोग सारा दिन के थके हुए, कुछ इधर से उधर, कुछ थकावट हमको लगी नहीं थी एंड इन दिस कंडीशन ऑल्सो आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, कुछ भी मुझे नहीं लग रहा था कि नो आई एम टायर्ड और समथिंग आई शुड टेक रेस्ट, नो। जैसे था कि नहीं और पता चले, गुरु जी के टाइम का और पता चले। सो पिंड के सारे वो लोग आए हुए थे, बहुत प्यारा सत्संग हुआ, बहुत प्यारी संगत वहाँ हमको मिली। हो गया ये सब। तो नेक्स्ट डे तो सुधा आंटी ने बोला कि अभी आप लोग इधर तक आए हो तो जाओ नायग्रा फॉल्स भी जाके घूम के आओ। तो हम लोग अपने कोई 5 गाड़ियों वाली संगत, बच्चे भी थे बड़े भी थे, हम सारे जने नायग्रा फॉल्स चले गए। वहां पर गए तो वहां पर एक गार्डन है, तो ऐसे हम लोग खड़े थे आपस में। अब मानोगे वहां पर गुरुजी ने हमको पान के पत्तों की फ्रेग्रेंस दी, मुझे आई, मैंने दूसरे से बात की, उसने कहा मुझे भी आ रही है, मुझे भी आ रही है, ऐसे करके सारे जनों को ना पान के पत्तों की फ्रेग्रेंस आई। ये हम भी कहा कि पान के पत्तों की फ्रेग्रेंस तो सुना था, रोज की फ्रेग्रेंस होती है दूसरी, बट ये गुरु जी यूज टू हील संगत विद पान के पत्ते एंड वो ही था कि हमको गुरु जी ने वो भी फ्रेग्रेंस दे दी वहां पर। सो इट वॉज सो ब्यूटिफुल, आई हैव just very clear picture about the whole thing how it was. फिर उसके बाद हम लोग वापस न्यूयॉर्क आए, शुक्राना किया, गुरु जी बहुत सोना ट्रिप रहा, बहुत अच्छा रहा एंड बहुत ही अच्छा रहा। इस ट्रिप के बाद मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। ये करके जब मैं आई हूँ इंडिया, वापस आई हूँ, तो फ्लाइट मेरी बॉम्बे में, ऑब्वियसली मैं लैंड किए रहते, हम पूना में हैं पर मैं बॉम्बे में लैंड की। रात का टाइम था कुछ 12 बजे का, बाहर आते आते ले हो गए। तो माई हस्बैंड वॉज देयर, ही केम टू पिक मी बॉम्बे एयरपोर्ट। तो वहाँ से वी ड्रोव डाउन बैक टू पुणे। घर आते आते 3:30-4 बज गए थे, हाँ अर्ली मॉर्निंग 4:00, रात थी थोड़ी। तो जैसे ही मैं, हम लोग कॉरिडोर में गए, घर बंद था, तो बाहर ना एक लाइट लगी हुई थी घर की हमारी, तो वो ऑन हुई है और ऑफ हुई है, कुछ सेकेंड्स के लिए ऑन हुई और बंद हो गई। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि बच्चे जागे हुए हैं तो उन्होंने ये लाइट ऑन किया है। जब हम अंदर गए तो अंदर देखा तो मेरा बेटा, बहू सब अपने कमरे में सो रहे हैं, बाहर तो कोई भी नहीं था। देन मैं हस्बैंड से, पता नहीं लाइट किसने ऑन किया है। मुझे मालूम है ना गुरु जी ने ये मुझे प्यार से वेलकम होम। सो पूरे ट्रिप में गुरु जी ने कैसे संभाल के रखा, कैसे प्यार से रखा ना, मैं कहती हूँ गुरु जी क्या नहीं करते हैं। आवर सेवियर इज गुरु जी, गुरु जी इज ओनली आवर सेवियर। कुछ नहीं, हमको पूरा टोटल सरेंडर गुरु जी देना है, सब कुछ करेंगे, टाइम लगेगा, राइट टाइम पे चीज़ें करेंगे गुरु जी। तो कहते सी जो राइट टाइम होगा तो हमें मिल जाएगा, पर ये नहीं है कि नहीं जी गुरु जी जल्दी करो जल्दी करो, वो चीज़ और खैर अभी बहुत पुरानी हो गई है, वो तो हम बात करते ही नहीं है उसके लिए अभी। अभी क्या है कि ये पेंडेमिक आ गया, पेंडेमिक में भी क्या हुआ कि लोग तो घबराए हुए थे, लॉकडाउन हो रहा है, सबको इतनी तकलीफें आ रही हैं, सब कुछ आ रही है, बट आई वॉन्ट टू जस्ट शेयर कि गुरु जी की जो है ना ब्लेसिंग्स कैसे हैं। लॉकडाउन के टाइम ना मुझे हमारी बिल्डिंग में नीचे से मुझे फ़ोन आता है कि आपका कोई पार्सल आया है नीचे, ऊपर तो कोई भी नहीं आ सकता था, तो हमने कहा ठीक है तो हाँ ऊपर आप ले आओ। तो कुछ ऐसा रोल था, लंबी सी चीज़ आई घर में, तो मैंने कहा पता नहीं क्या है, कैलेंडर है क्या है, मैंने रख दिया अपना स्टडी टेबल पे। और 2 दिन के बाद देखा, खोल के देखो तो सही नहीं क्या है। जब खोला इट वॉज 2019 जब ये हुआ था, फर्स्ट वेव आई थी, तो समटाइम आई थिंक अप्रैल मई में ये बात हुई थी।
तो जब मैंने कैलेंडर खोला तो मैंने कहा ये तो गुरु जी का कैलेंडर आ गया है, और जब पढ़ा कि ये नए साल का है कि कब का है, इट वॉज 2014, मतलब 2019 में 2014 का कैलेंडर आया है। अभी हम टोटल देखें 2147, ये क्या है, ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। और मैंने पता किया, मैंने कहा अपने कोऑर्डिनेटर्स को फ़ोन किए, पूछा कि किसी ने मेरा गुरु जी का कोई कैलेंडर भेजा है, ये कहाँ से आया है, कोई नाम नहीं, कोई फ़ोन नंबर नहीं, किसने भेजा है, कुछ नहीं पता। दिस वॉज यू नो वे ऑफ गुरु जीज ब्लेसिंग, और वो आज भी ऐसे ब्लेसिंग सबको कर रहे हैं। संगत हैरान है कि कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि रब है ना, ही इज़ गॉड, ही इज़ रब, सब कुछ गुरुजी कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हमारी जो सोच हम है ना, वो भी गुरुजी को पता है हम क्या सोचते हैं। सो ये हो गया। उसके एक महीने के बाद मेरे घर में काउंटर है जहाँ पर मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा है, जो चलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, थोड़ा प्रसाद रख देते हैं एवरी डे। वन मॉर्निंग वेन आई वॉज पुटिंग माई दिया एंड अगरबत्ती, तो मैंने देखा गुरु जी का जो ऐसे वाला स्वरूप है ना, तो गुरु जी के उस स्वरूप में एक छतरी बन गई थी। यू नो दैट पेपर वॉज पॉपिंग आउट एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुली, बड़ा क्लियर था, छतरी बनी हुई थी। मैंने कहा ये क्या हुआ है, ये अमृत सुना है, फोटो में आता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ क्या है। जब मैंने उसको गौर से देखा तो इट वॉज छतरी। You know, this is Guruji's blessing, ki this is Guruji's chhatar chhaya on the family. So, another way of giving blessings. So, agar hum Guruji ki blessings mein jaye, to itni Guruji ki blessings hain hamare upar time time par. Aur ye nahi ki aaj hamare upar hain, kitne sansar ko, gharon ko, bachon ko, badon ko, buron ko sambhala hua hai Guruji ne. Ye Rabbi kar sakta hai. Ye और कोई नहीं कर सकता। गुरु जी को सब पता है कि मैंने किसको किसको कैसे देना है। एक और एक सत्संग सुनाती हूँ। मेरे सत्संग ना ये बड़े इस टाइप के छोटे छोटे हैं, जिसमें मैं हमेशा फील करती हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आती रहती हैं, गुरु जी के मैसेजेस ही आते रहते हैं। मैं मांगती हूँ कि गुरु जी कभी मेरे ड्रीम में तो आओ ना, गुरु जी ड्रीम में नहीं आते। गुरु जी मुझे ऐसी चीज़ें ब्लेसिंग कर करके बहुत बढ़ाते हैं, खुश करते हैं कि नहीं मैं तेरे नाल आ। मैं दिल्ली में थी, बड़े मंदिर गए, मेरी सिस्टर सबीना साथ में थी, तो हम लोग बड़े मंदिर गए ना, तो माई सिस्टर वॉज टॉकिंग टू राम भैया, माली भैया है ना वहाँ के, तो उनके साथ कुछ बात कर रही थी, और उनके राम भैया के पॉकेट में ना गुरु जी का पेन था और उस पर गुरु जी की फोटो थी। तो मैंने कहा कमाल है गुरु जी, थोड़े तो पेन भी आंदे हैगे ने, मेरे को तो पेन नहीं हैगा। आप मानोगे कि राम भैया ने बातें करते करते सिस्टर से ऐसे पेन निकाला और मुझे दे दिया, जय गुरु जी। यानी कि कहने का मतलब यही है कि जो हम सोचते हैं ना, तो वो भी गुरु जी को पता है कि हमको क्या चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें गुरु जी ने की हुई हैं। और ऐसे ही एक इंसिडेंट और हुआ, मैं इधर आरती सिंह जो जिसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया है, गुरुजी शुक्राना, शी गॉट मी इंट्रोड्यूस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड मैं जौनापुर में थी आरती के साथ, तो मैंने ऐसे ही बोला कि आरती बड़ा दिल कर रहा है बड़े मंदिर चलते हैं, घर बिल्कुल हमारा पास है, 10-15 मिनट है बड़े मंदिर से फार्म हाउस में, तो मैंने कहा चलते हैं। तो शी सेड कि दीदी पर शाम को सत्संग है, अभी सुबह तो नहीं जा सकते हम। मैंने कहा पता नहीं मेरा दिल कर रहा है कि वहाँ चलते हैं, कुछ सेवा करनी है, मैं ऐसे घर में क्या बैठूंगी अभी। तो कहती है ठीक है चलो चलते हैं, चले गए हम लोग। मैंने कहा अगर कुछ भी सेवा नहीं मिली तो मत्था टेक के ही आ जाऊंगी, बाहर जो पत्ते पड़े होते हैं ना मैं वो उठा के ही ना, तो मैं समझूंगी यही सेवा है आज, कुछ चलते हैं चलो। मैं और आरती चले गए बड़े मंदिर, अंदर गए, उनको बोला कि ऐसे हमको कुछ सेवा करनी है। अब मानोगे क्या हुआ कि उस दिन किचन की सेवा चल रही थी, अंदर लंगर चल रहा था, बना रहे थे सब जने, पर कोई आंटी आई, कहती है कि नहीं नहीं आप दोनों आंटी अंदर आ जाओ किचन में, आज दो आंटियां नहीं आई, आप सेवा करो। दिस इज ऑल्सो गुरुजी'स ब्लेसिंग, ऑल्सो गुरुजी'स ब्लेसिंग। ये गुरुजी ऐसी चीजें हमको दिखा के ना खुश कर देते हैं, रच जाने हैं। दिस इज अवर टॉनिक व्हेन गुरुजी, जो हम करना चाहते हैं और गुरुजी पहले हमको दिखा देते हैं।
सो गुरु जी का कितना शुक्राना करें, बहुत शुक्राना करें गुरु जी। बस इको ही कहने साड़ियाँ फुल्लां बख्श दियो ना, असी गलत कुछ देखिए ना, सुनिए ना, सोचिए ना, बोलिए, बस एक ही चीज़ असी गुरु जी नूं कहने है गया कि गुरु जी हर पल अपने नाल तुसी सानूं जुड़े रखो, हर वक्त सानूं जुड़े रखो। आज भी सत्संग हमने किया है, यहाँ पर संगत आई है, छोटी संगत थी पर इतना अच्छा लग रहा था, सब एक दूसरे के साथ ऐसे प्यार के साथ, एक फैमिली के जैसे हम लोग सब से रह रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैंने दो गुरुजी ने मुझे पुनः संगत की सेवा दी है, हमारा कोऑर्डिनेटर ग्रुप भी है, तो मैं हमेशा कोऑर्डिनेटर्स को बोलती हूँ कि देखो अगर संगत में प्यार रखना है तो पहले हमको आपस में अंडरस्टैंडिंग रखनी है, प्यार रखना है, ताकि हमारी संगत देखे और उनमें प्यार जागेगा। यहाँ पर पूना में कभी भी ऐसे नहीं होगा कि ये दो ग्रुप्स चल रहे हैं या तीन चल रहे हैं, नो, ओनली वन एंड दैट विल बी विद फुल डेडिकेशन एंड लव एंड सेवा, दैट्स इट। कुछ नहीं चाहिए, सिंपलिसिटी चाहिए, सिंपल लंगर चाहिए, सिंपल डेकोरेशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बट संगत को पूरा प्यार चाहिए, नियों की सेवा करिए, उनकी पूरा कंफर्ट्स देखें कि उनको ठीक रहना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गुरु जी से यही मेरी है, हमेशा यही हाथ छोड़ के गुरु जी ने मैं कह दिया कि गुरु जी बस ऐसा ही सानू चलाते रहो, सब नाल असी प्यार नाल रहिए, रल मिल के रहिए, अच्छी तरह रहिए। एंड बाकी दो साल हो गए हैं मैं दिल्ली नहीं आ पा रही हूँ, पर अंदर से दिल जैसे है, पर मैं फिर भी बोलती हूँ कि कोई नहीं गुरु जी, जो टाइम ठीक होएगा, जो तुम ठीक समझोगे तो आ जाओगे। अभी तो ये लगने लगा है कि अगर कोई प्रोग्राम है तो हम लोग सपोज हो फिर नहीं बन पाता, कोई गाल नहीं, एनएच भी कोई पला वे, अगर वो नहीं हुआ एनएच भी कोई पला है, हर चीज़ को अभी हम इस चीज़ में लेते हैं और इतने खुश रहते हैं अंदर अंदर से। हाँ, एक और सत्संग बताती हूँ कि इट वॉज लास्ट ईयर अक्टूबर सेप्टेम्बर एंड मुझे कोविड हो गया था, तो इट वॉज वेरी माइनर, जस्ट फॉर 2-3 days, बट आई वॉज एट होम आइसोलेटेड इन वन रूम ओनली, पर फॉर 10 days आई वॉज इन द रूम। पर वो ही ना गुरु जी ने कितना हमको सिखाया है, सब्र सिखाया है, कितना सब्र सिखाया है, नहीं तो एक किसी को चलते फिरते बंदे को अगर कमरे में बंद कर दो तो कैसे हालत हो जाती है, बट हमने उसको कैसे लिया, नहीं गुरु जी शुक्राना कोई गल ही नहीं है, 2-3 दिन इससे ठीक हो गई हैं, हम 7 दिन थोड़ा कमरे के अंदर आराम करेंगे, बहुत कुछ है कमरे के अंदर, ब्यूटीफुल ट्रीज आर आउटसाइड, बर्ड्स आर देयर, आई एम वॉचिंग देम, एंटरटेनमेंट के लिए टीवी है, आजकल यूट्यूब में सत्संग जितने आ रहे हैं, सारे गामा पे वो बॉलीवुड गाने भी हैं, सारा कुछ तो है, बुक्स हैगी ने पढ़न लई, बड़ा आराम है, बड़ा अच्छा रखा वे, एंड सारे घर के भी आते जाते बाहर से रूम के पूछना, खाने पीने का हेल्पर्स हैं वो कि मम्मी जी आपको क्या चाहिए, मम्मी जी आज क्या खाना है। सो मैंने कहा क्या सुख ने, क्या शुक्र करा गुरु जी, ये तो कोई गल ही नहीं है, कुछ भी नहीं हैगा। सो दिस इज हाउ यू नो गुरु जी हैज टॉट अस कि हाउ टू लिव व्हेन लिटिल प्रॉब्लम इज देयर। मैं तो कह रही हूँ ना कि मेरे को तो बड़ी जब प्रॉब्लम आई थी आर्म्स की, जब मैं आई हैड अ फॉल, तब भी मुझे कुछ नहीं लगा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे जस्ट लाइक अ पिंच, नथिंग, कुछ नहीं है, बस गुरु जी ऐसा ही मेहर बनाई रखन, ऐसा ही मेहर बनाई रखन, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी का, आज सारे सुख दिते ने, खुशियां दित्तिया ने, सारे पासे गुरु जी दे अगे इको ही अरदास है, सब ते घरां विच सुख शांति खुशियां बख्शो, अपने चरणा विच रखो, साड़ियां फुल्लां बख्श दिओ गुरु जी। सो प्यारी संगत जी, कितने कोई गलती होए, कुछ है गुरु जी गलती हो गई हो, मैं माफ़ कर देना, बस अपने ना जोड़े रखना, एक कोई तड़प है कि अपने ना जोड़े रखना, बस थैंक यू गुरु जी एंड थैंक यू सुरेश वासन अंकल टू आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, रोज़ रात को आपके सत्संग वगैरह सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, याद मैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकती भेज रही हूँ क्योंकि लाइव नहीं हो पा रहा था, बट
when Guruji wants, we'll do live also. And thank you so much. Love you all. Sangat ji, stay safe, stay healthy. Guruji bless you all. And shukran. Jai Jai Guruji Maharaj, Jai Jai Guruji Maharaj. Bapu ji, Mata ji, aap ji nu koti koti pranam, jinhane rab nu guru nu jamya hai. Jai.